हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू वर्ड सक्सेस पर। और यहाँ पे जो आपका रिवाइज रिजल्ट की डेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है, और जो आपका CBT 2 का एग्ज़ाम होगा वो आपका जनवरी के अंदर एग्ज़ाम होगा। तो चलिए देख लेते हैं पूरी खबर को। और उससे पहले फ्रेंड आपको बता दूँ, अगर आप CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे अनअकेडमी पर ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैंने वहाँ पर आपके लिए कोर्स बनाया हुआ है जिसको काफ़ी बच्चे देख रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ओपन करके आप मुझे जरूर फॉलो करें। और वहाँ पर जो मैंने आपके लिए कोर्स बनाया है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, MCQ फॉर्म में दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें कुछ छोटे न्यूमेरिकल और आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं, उनको आप जरूर लगाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका रिजल्ट कब आ रहा है और कब का पेपर कब होगा। तो फ्रेंड अभी हम आ चुके हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB भोपाल पर। आप यहां पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। और यहां पर सबसे ऊपर आप देख रहे हैं डेट 4 तारीख को एक नोटिस आया है CN01 के अंदर में, नोटिस ऑन रिवाइज शॉर्ट लिस्टेड डेट एग्जाम डेट एंड सेक्शन वाइज मार्क्स फॉर सेकेंड स्टेज CBT। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे नोटिस आपके सामने खुलकर आएगा, सारा नोटिस आप पढ़ सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सेकंड स्टेज CBT इज लाइकली टू बी पब्लिश्ड बाय 20/12, यानी कि 12 दिसंबर को आपका जो है रिजल्ट आएगा। एंड अकॉर्डिंगली द एग्जाम डेट फॉर सेकेंड स्टेज CBT हैज़ बीन रिशेड्यूल्ड ऑन 21st, 22nd एंड 23rd जनवरी 2019, यानी कि आपका जो अब CBT 2 का एग्ज़ाम होगा वो 21, 22 और 23 जनवरी 2019 के अंदर किया जाएगा। फिर यहाँ पर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं, ये पार्ट ए का आपको यहाँ पर दिखाया गया है। पार्ट ए कैसा होगा, 90 मिनट का होगा, जो 90 मिनट्स होंगे, और PWD के लिए जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 120 होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। नेगेटिव मार्किंग की जैसा पहले था, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 होगी यहाँ पर आपके लिए निगेटिव मार्किंग। सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं, मैथमेटिक्स से कितने होंगे 25 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के भी 25 होंगे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 होंगे, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। तो आपने ये देख लिया, आपका जो पार्ट ए के अंदर जो आपके मार्क्स का और क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा। तो आपको फोकस मेनली यहाँ पर अभी आपको देख रहे हैं आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 नंबर है, तो यहाँ पर आपको पूरा दम लगा देना चाहिए। नेक्स्ट है पार्ट बी, ड्यूरेशन होगी 60 मिनट की। PWD कैंडिडेट को मिलेंगे 80 मिनट्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 70। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है, 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड। तो दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग नेचर एंड सेल बी क्वेश्चंस फ्रॉम द ट्रेड सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द DEGT। जो आपको सिलेबस मिला है उसी से आपका ट्रेड से पेपर आएगा, और यहाँ पर भी आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये सारी चीज़ हैं जो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, आप इसको एक बार जरूर देखिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। टोटल ड्यूरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट की होगी, पार्ट ए एंड पार्ट बी टुगेदर एक साथ होंगे। नोटिस की डेट आप देख सकते हैं, तो एकदम ऑथेंटिक और ओरिजिनल न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और आप हमारे साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमेशा आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से बताई जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको फिर से बता दूँ, अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी जो वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखें, न्यूमेरिकल की जो वीडियोस हैं उन्हें जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है वो काफ़ी बड़ा है, तो आपको अच्छे से तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।